अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू रक्कस किचन। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ ज़बरदस्त किस्म की चिकन जलफ्रेज़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चिकन जलफ्रेज़ी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो आप नोट डाउन कर लें। क्वार्टर कप मेरे पास ये ग्रीन वाले शिमला मिर्च हैं, क्यूब्स में मैंने काटे हुए हैं। क्वार्टर कप येलो वाले शिमला मिर्च, क्वार्टर कप एक छोटी सी प्याज है उसको मैंने क्यूब्स में काटा हुआ है, और क्वार्टर कप ये मेरे पास टमाटर हैं जो बग़ैर बीज के मैंने क्यूब्स में काटे हुए हैं। दो ये हरी मिर्च हैं, इनको मैंने लंबाई में काटा हुआ है और इनके बीज निकाल दिए हैं, क्योंकि ये बहुत तीखी है हरी मिर्च, इसलिए मैंने बीज निकाल लिया। अगर आपके पास नॉर्मल हरी मिर्च है तो आप बीज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। आधा किलो मेरे पास ये चिकन बोनलेस है, इसको मैंने क्यूब्स में काटा हुआ है। उसके अलावा एक टेबल स्पून टमाटो केचप है, एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, एक टेबलस्पून सोया सॉस, एक टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्वार्टर टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, क्वार्टर टीस्पून चिली फ्लेक्स, एक टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, एक टीस्पून धनिया पाउडर, एक टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर, एक टेबलस्पून दही। ये मेरे पास एक छोटे साइज़ का प्याज है जिसको मैंने बहुत ही बारीक ऑमलेट की तरह चॉप कर लिया है। अगर आप चॉप नहीं करना चाह रहे तो आप प्याज को ग्राइंड भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये मेरे पास दो अदर टमाटर थे, उनका मैंने पेस्ट बना के प्यूरी कर लिया है, और ऑयल चाहिए होगा और पानी चाहिए होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पैन लिया है, कढ़ाई ले लें, पॉट ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मीडियम लो पे मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल, आप चाहें तो बटर में भी बना सकते हैं। अच्छा जी, ऑयल में जा रहा है कटा हुआ प्याज, और इसको हम फ्राई करेंगे मीडियम लो फ्लेम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, जब तक प्याज अच्छे से सौते हो जाए और हल्का हल्का इस पर गोल्डन कलर आ जाए। प्याज हल्की हल्की सी गोल्डन हो गई है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको 1 मिनट फ्राई करेंगे। 1 मिनट हो गया, अब जो हरी मिर्चें हैं वो मैं अभी डाल रही हूँ, बाकी ये सारी चीज़ें लास्ट में डालेंगी। और इसके साथ ये मैं चिकन भी डाल रही हूँ, और इसको 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। अब मैं चूल्हे को मीडियम लो से मीडियम हाई कर रही हूँ। चिकन अच्छे से भून गया है, इसमें मसाले डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, भुना हुआ पिसा हुआ जीरा और नमक। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस, केचप, टमाटो प्यूरी और इन सारी चीज़ों को अच्छे से करेंगे मिक्स। आधा कप मैं पानी डाल रही हूँ और मीडियम लो फ्लेम पे इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक। तो मिलते हैं 10 से 12 मिनट बाद। 10 से 12 मिनट हो गए हैं, तो चेक करते हैं चिकन जलफ्रेज़ी को। ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें। अब इस स्टेज पे मैं दही डाल रही हूँ और इसे मिक्स कर लूँगी।
अब लास्ट में ये सारी की सारी सब्जियां मैं इसमें डाल रही हूँ, टमाटर और ये शिमला मिर्च, कैप्सिकम, और इन सबको करूँगी मैं मिक्स। इनको ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ा सा क्रंच रहना है सब्जियों में ताकि अच्छा सा टेस्ट आए, सॉगी नहीं करनी है सब्जियां। तो अब मैं इसको कवर करके मीडियम लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रख छोड़ रही हूँ। मिलते हैं 1 से 2 मिनट बाद। 1 से 2 मिनट हो गए हैं, तो अब चेक करते हैं। ज़बरदस्त सी चिकन जल ग्रेवी रेडी हो गई है। अब मैं चूल्हा करनी हूँ बंद और उसे डिश आउट करूँगी। ज़बरदस्त सी चिकन जल फ्रेजी रेडी है, और अब मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कि कैसी बनी है। तो बड़ी मज़े की खुशबुएं आ रही हैं, और अब मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कि कैसी बनी है। मैं इसको चावलों के साथ यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो नान, रोटी या चावल के साथ यूज़ कर सकते हैं। जबरदस्त मज़ेदार गला वो चिकन, और उसमें यमी सा मसाला और वेजिटेबल्स का हल्का हल्का क्रंच। टू गुड। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। कल फिर हाजिर होंगी एक नई झटपट रेसिपी के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।